नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर 2022 की आपकी संपूर्ण राशिफल के बारे में। शुरुआत करते हैं आज की बहुत ही अच्छी ज्ञान से कि दोस्तों, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है परंतु उनके पास नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उनके पास नाम तो होता है परंतु सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जिंदगी कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है आपकी, अपने ही स्वभाव में जियो। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, सच्चा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। आज का पंचांग, आज दिन गुरुवार 20 अक्टूबर 2022, कृष्ण वर्ष की दशमी तिथि शाम के 4:05 रहेगा, उसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र सुबह के 10:30 रहेगा, उसके उपरांत मघा नाम का नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे। योग की बात करें तो शुभ नाम का शुभ योग शाम के 5:42 रहेगा, उसके उपरांत शुक्ल नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, इस दिन राहु कल के समय की बात करें अर्थात दिन के अशुभ समय की, यह समय आप कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें, तो दोस्तों यह समय रहेगा दोपहर के 1:37 लेकर शाम के 3:02 तक, और चंद्रमा इस दिन कर्क राशि के उपरांत सिंह राशि में संचार कर जाएंगे। दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करें अर्थात शुभ समय की, यह समय रहेगा सुबह के 11:48 लेकर दोपहर के 12:34 तक, यश में आप सभी शुभ कार्यों को कर सकते हैं और सूर्य तुला राशि पर रहेगा। तो आइए दोस्तों के साथ बात करते हैं, जो ग्रहों की स्थिति है और जो चंद्रमा का गुजर है आपकी राशि पर कौन कौन से बड़े बदलाव लेकर आएंगे, यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी, किन किन क्षेत्रों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए लाभकारी साबित होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों समय बेहतरीन है, आपके व्यक्तित्व के समक्ष विरोधी आपके परास्त होंगे और आप यश में अपने काम को बेहतरीन तरीके से संपन्न भी कर सकेंगे। दोस्तों युवा वर्ग को भी कोई बेहतरीन उपलब्धि यश में हासिल हो सकती है। इसके साथ दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए, आपको अपने बजट का ध्यान रखना चाहिए। घर से संबंधित किसी कार्य में अत्यधिक खर्चा भी हो सकता है। किसी के प्रति अपने मन में यश में आपको नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। साथ ही दोस्तों यश में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको रखना चाहिए। दोस्तों इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, गौर करने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आप पर बना हुआ तनाव खत्म होने की वजह से मन में आपके समय प्रसन्नता रहेगी। परिवार के किसी व्यक्ति की सेहत में सुधार दिखने की वजह से भी आपके तनाव से आपको छुटकारा मिल सकता है। मित्र परिवार के साथ भी बिताया हुआ समय आपको आनंद देगा। परिवार के किसी प्रिय व्यक्ति से संबंधित खुशखबरी भी यश में आपको मिल सकती है, इसकी संभावना यश में बढ़ रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में स्थान परिवर्तन संबंधी कोई भी योजना बन रही है तो दोस्तों उसे कार्यरूप देने का उचित समय होगा। आय के नए स्रोत भी यश में बनेंगे और आर्थिक स्थिति भी यश में आपकी बेहतर रहेंगी। आपको बता दें कि यश में नजदीकी मित्र की सलाह आपके लिए परेशानियों से आपको राहत दिलवाएंगी। तो दोस्तों यश में आप नजदीकी मित्रों की सलाह ले सकते हैं, ये आपके लिए यश में बेहतर रहेंगे। और दोस्तों इसके उपरांत कभी भी अनुचित या फिर गैर कानूनी काम में रुचि ना लें, इसकी वजह से कोई जो है अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव तथा सहयोग आपको इसमें बहुत अधिक लाभदायक स्थितियाँ देने वाली है। दोस्तों ये आपके लिए लाभदायक रहेंगे तो इनका जो है जरूर उपयोग करें। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम से संबंधित अपनी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। आपको बताते हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा सा तनाव का सामना भी आपको इसमें करना पड़ सकता है। विचारों में क्लैरिटी न रहने की वजह से किसी भी बात में निर्णय लेना आपके लिए थोड़ा सा इसमें कठिन होगा, लेकिन दोस्तों केवल सोच विचार में ही आपका जो है अधिक समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए दोस्तों वर्तमान में रहने की पूरी कोशिश करनी होगी आपको यश में, जिसके द्वारा विचारों के साथ साथ काम करने पर भी आपको ध्यान देना यश में संभव होगा।
और इसके उपरांत ये समय आपके लिए समय होंगी। आपको बता दें कि दोस्तों यह समय अपने आसपास की परेशानियों में कुछ बदलाव महसूस करेंगे और इन बदलावों का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ने वाले हैं, जिसका अच्छा परिणाम आपको भविष्य में दिखेगा। सिर्फ आपको अपनी ऊर्जा एकत्रित करके दोबारा नई जो है नीतियाँ बनाने की जरूरत होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय किसी भी वरिष्ठ या फिर सम्मानित व्यक्ति के साथ वाद विवाद या फिर मतभेद में ना पड़े या फिर मतभेद ना उत्पन्न होने दें। दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेहनत करने में ही आपका भाग्य आपका सहयोग करेगा। तो दोस्तों इसमें मेहनत पूरा दिल और दिमाग से करें, किसी भी प्रकार की बहस या फिर गपशप करने से इनसे बचें, इनमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना करें। शायद दोस्तों आपको बता दें कि महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों किसी व्यक्ति के साथ हो रहे वाद विवादों को और आगे ना बढ़ाएं, आपके द्वारा बोली गई कटु बातों की वजह से संबंध बिगड़ सकता है। दूसरा व्यक्ति अपने दिए हुए शब्द पर कायम न रहने की वजह से आपकी चिड़चापन बढ़ेगी। अपनी बात को जो है व्यक्ति के सामने सरलतापूर्वक रखने की आपको कोशिश करना चाहिए, लेकिन दोस्तों गुस्से पर आपको इसमें काबू भी रखना चाहिए, आपके लिए यह इसमें अत्यंत आवश्यक होंगे। तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए इसमें होंगे। आपको बता दें कि परिस्थितियां दोस्तों ये इसमें आपके पक्ष में हैं, परंतु भावनाओं के बजाय विवेक और चतुराई से आपको इसमें काम लेने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपके लिए उन्नतिदायक ये इसमें साबित होगा। आपको बता दें कि अचानक ही किसी मित्र या फिर नजदीकी रिश्तेदार का आगमन भी हो सकता है, आपसी मेल मिलाप खुशी देगा। विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी कोई रुकावट भी इसमें दूर होगी। इसके साथ ही दोस्तों यह समय आपको अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत होगी। शांतिपूर्ण तरीके से स्थितियां पर विचार विमर्श करें, गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए इसमें नुकसानदायक रहेगा, तो इन पर गौर करें, इन पर ध्यान दें। दोस्तों कोई पैतृक संबंधी मसला भी इसमें उठ सकता है और इसके उपरांत इसमें प्रस्तुति का पूरा अवलोकन करके ही आपको आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक होगा। और विद्यार्थियों को भी इसमें खुद से भी पढ़ाई से अधिक फायदा प्राप्त होगा। पैसे से संबंधित जागरूकता रखें, जरूरत से अधिक खर्चा होने के कारण आपकी चिंता बढ़ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों इसमें व्यवसायिक गतिविधियों पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। अधिकतर काम समय अनुसार पूरे हो जाएंगे, परंतु अपनी योजनाएँ जो है किसी अनजान व्यक्ति से शेयर ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। नौकरी पेशा लोगों का भी अपने ऑफिस में मान सम्मान व फिर यह समय साख बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय में कुछ सकारात्मक तथा फायदेमंद गतिविधियाँ भी रहेंगी। बीमा, इनकम टैक्स जैसी क्षेत्रों में कई बेहतरीन उपलब्धि भी इसमें आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर जो है कार्यभार की अधिकता रहने वाली है, परंतु साथ ही कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी इसमें आपको मिल सकती है, जिनसे आपका मन इसमें प्रसन्न रहेगा और काम करने में इसमें आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार व फिर मूल्यांकन करने की जरूरत होगी। आपको अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों इसमें जनसंपर्क का जो दायरा है और अधिक विस्तृत करें, आपको अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य प्रगति नजर आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमी आपके लिए सुनोगे, आपके करियर के लिए जो सुनोगे। दोस्तों आपको बता दें शायदारी से संबंधित बिजनेस में काम पहले जैसा ही चलता रहेगा, वर्तमान परिस्थितियों में कुछ बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों यशमी पेमेंट कलेक्ट करने का उत्तम समय होगा। मार्केटिंग तथा मीडिया संबंधी कार्य में अपना ध्यान विशेष रूप से आपको केंद्रित करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यशमी आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यशमी पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। बच्चों की किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से कुछ चिंता रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यह समय जीवन साथी का सलाह हुआ फिर सहयोग आपके मनोबल व फिर कार्य क्षमता को बनाकर रखेगा तथा आपसी संबंधों में और अधिक यश में नैतिकी आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों घर परिवार में वाद विवाद जैसी स्थिति भी उत्पन्न न होने दें। दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी आपसी सहयोग द्वारा वातावरण को शांतिपूर्ण बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके घर परिवार के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों
घर की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें, इससे आपसे संबंध बेहतर रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है परिवार परिश में बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश मगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें, अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में सिर दर्द व फिर थकान जैसी स्थिति हावी हो सकती है। सर्दी से अपना यश में बचाव करें तथा उचित खान पान भी आपको यश में लेना चाहिए। दोस्तों ये चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे, तो इन पर आपको गौर करना चाहिए। और इसके उपरांत आपको बता दें, अगर आप साधनियों को बरतेंगे तो अंत में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। फिर भी दोस्तों अपने खान पान व फिर दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना यश में आपके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि हल्की फुल्की मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, जरा सी सावधानी आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखेगी। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है, यश में बिल्कुल भी यश में जो है लापरवाही ना करें और सभी चीज़ों को लेकर सावधान रहें। यह सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी।